नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुना। राजस्थान में एक और सेक्स सीडी कांड सामने आया है। ये कांड भी कांग्रेस के ही नेता से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर दो कथित वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के नेताजी मेवाराम जैन एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। बता दें, ये वीडियो महिलाओं की तरफ से बनाया गया था। नेताजी के कमरे में एंट्री करने से पहले ही एक महिला अलमारी के रैक में अपना मोबाइल कैमरा चालू करके रख देती है। इसके बाद नेताजी आते हैं और शुरू होता है पूरा कार्यक्रम। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के जो दो कथित अश्लील वीडियो सामने आए हैं, उनमें से पहला वीडियो 7 मिनट 11 सेकंड का है, जबकि दूसरा वीडियो 18 मिनट 45 सेकंड का है। दोनों ही वीडियो एक ही दिन में शूट किए हुए लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो का एंगल एक ही है, चद्दर और तकिया भी वही है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये दोनों वीडियो अलग अलग दिन शूट किए गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की काली करतूत भी सबके सामने आ चुकी है। भले ही अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन समाज में तो वो बदनाम हो ही गए हैं। आपको बता दें, 20 दिसंबर 2023 की रात को जोधपुर के राजीव नगर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था। FIR में कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, एक RPS अधिकारी, इंस्पेक्टर सहित 9 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। महिला की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में उसके और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता के मुताबिक मेवाराम जैन और उसके कई साथी पिछले कई महीनों से उसका देह शोषण कर रहे हैं और विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में कांग्रेस नेता ने बाड़मेर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक फोटो कांग्रेस नेता की बताकर शेयर की जा रही है, वे सभी एडिटेड हैं, ब्लैकमेल करने के लिए झूठे आरोप लगाते हुए बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस नेता ने FIR में आरोप लगाया है कि दयाराम शैलेंद्र अरोड़ा वकील और एक अन्य महिला सहित कुछ लोगों का एक गिरोह है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना के मद्देनजर आपत्तिजनक फोटो वायरल की जा रही है। वहीं जोधपुर के राजीव नगर थाने में दुष्कर्म और पॉस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2024 को है, तो देखने वाली बात है कि आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और हाँ, न्यूज रूम पोस्ट ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।